विनेश फोगाट को चुनाव में उतारेगी कांग्रेस। आज होगा फाइनल फैसला। राजनीति में एंट्री का विनेश पे दबाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए लगातार मंथन कर रही। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की सोमवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई है और इसी दौरान 39 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 34 कैंडिडेट्स के नाम तय कर लिए गए। मंगलवार को फिर कांग्रेस के CIC की बैठक है, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। महिला पहलवान विनेश फोगाट के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर लगातार चर्चा है, लेकिन फाइनल फैसला मंगलवार को होगा, यानी कि आज। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबारिया ने कांग्रेस के CIC की बैठक के बाद कहा कि 39 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 34 कैंडिडेट तय कर लिए गए हैं और 15 सीटों का समीक्षा के लिए भेजा गया। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने यह भी बताया है कि विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने को लेकर तस्वीर मंगलवार को साफ हो जाएगी। साथ ही कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने सोमवार को रात में कहा था कि विनेश फोगाट खुद बताएंगी क्या वो चुनाव लड़ने को तैयार है या फिर नहीं। उनके नाम पर चर्चा नहीं हुई है। विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने पर भले ही सोमवार को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा ना हुई हो, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर चर्चाएं तेज हैं। उन्होंने किसान आंदोलन में शिरकत करने के लिए हाल ही में शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों, जिंद और रोहतक में खाप पंचायत नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़ने के सवाल पर विनेश फोगाट ने कुछ नहीं बोला। लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रभारी की बात माने तो CIC की मंगलवार को होने वाली बैठक में विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर फाइनल फैसला होगा। महिला पहलवान विनेश फोगाट की राजनीति में आने की चर्चा उस दिन से हो रही है जब तत्कालीन WFI प्रमुख और BJP नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर जंतर मंतर पर धरना दिया था। कांग्रेस नेता खुलकर विनेश फोगाट के साथ खड़े थे, खासकर पार्टी सांसद दीपेंद्र हुडा। इसके बाद ओलंपिक से वापस लौटने पर विनेश फोगाट का दीपेंद्र हुडा ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया और साथ में रोड शो भी किया था। विनेश फोगाट के पक्ष में जिस तरह से कांग्रेस खड़ी थी, उसके चलते ही उनके राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे। हरियाणा के जिंद से 27 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में भी विनेश ने कहा था कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में नहीं। हरियाणा में जिंद में 27 अगस्त को आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश ने कहा था कि वो राजनीति में प्रवेश को लेकर दबाव में है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले वो अपने बुजुर्गों से सलाह लेंगे। उन्होंने कहा, राजनीति में जाने का दबाव है, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से सलाह लूंगी। जब मेरा मन साफ होगा तब मैं सोचूंगी कि क्या करना है। इसके बाद किसान आंदोलन में शिरकत की तो फिर से विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने के कयास लगाए जाने लगे। विनेश फोगाट का परिवार हरियाणा की सियासत में सक्रिय है। विनेश फोगाट की चचेरी बहन बबीता फोगाट ने 2019 में विधानसभा चुनाव में BJP के टिकट पर दादरी से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाई थी। हालांकि विनेश फोगाट का सियासी झुकाव कांग्रेस की तरह माना जाता है। BJP सांसद रहे ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट जब जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी तो बबीता फोगाट के साथ उनके मतभेद भी सामने आए थे। सोशल मीडिया पर बबीता फोगाट और उसके पति ने विनेश फोगाट और पहलवान बजरंग पुनिया पर निशाना साधा था।